कोई नेता था दास दक्ष की भाई कानून से स्वागत किया जाए इनका बहुत बढ़िया किसान विक्की मनीष चंदा विशाल ने फर्स्ट मारा विक्की सेकेंड मनीष थर्ड चंदन थर्ड आप लोग प्लीज ग्राउंड के अंदर आए अपने जगह पर जाओ। हालात कैसी भी हो हालत बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ ऐसी कहानी आप सबके बीच में लेकर आते हैं जिसे देखकर आप सबको, आपके आसपास के समाज और तमाम लोगों को प्रेरणा मिले। आज की कहानी कुछ ऐसी है, ये कहानी है छितौनी डिफेंस एकेडमी, जिसकी शुरुआत मेराज जी ने किया था। मेराज जी सेना के जवान रह चुके हैं और अब अपने क्षेत्र के युवाओं को, बच्चों को, और सबसे अच्छी बात है तमाम बच्चियों को प्रेरणा देने के लिए उनको खोज कर रहे हैं और उनको पूरी तैयारी दे रहे हैं। मेराज भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल? सर मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से। छितौनी डिफेंस एकेडमी, डिफेंस का जब नाम आता है जी। तो ऐसा लगता है कोई गवर्नमेंट जो है इस रूल रेगुलेशन से चलता होगा, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या है छितौनी डिफेंस एकेडमी? छितौनी डिफेंस एकेडमी, जहाँ डिफेंस का नाम आ जाता है सर, तो उसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है जी। तो जितने भी मेरे प्लेयर हैं आप देख सकते हैं सारे डिसिप्लिन में हैं। अच्छा, और इस एकेडमी की शुरुआत मैं सेना में था, अभी रिटायर हुआ हूँ, मैं देखा यहाँ पे कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। और मैं अभी से नहीं, मैं जब भी सेना में भी था, जब मैं ऑन ड्यूटी पे था तो मैं आता था यहाँ पे, छुट्टी आ करके इन बच्चों को मैं सिखाता था। जब तक मैं छुट्टी रहता था मैं बताता था, और जब चले जाने के बाद फिर मैं अपने रूटीन में शामिल हो जाता था। अच्छा। अब मैं परमानेंट आ गया हूँ। परमानेंट टाइम दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट। मुझे बता दिए, तमाम लोग जो ऐसे क्लासेस चलाते हैं वो फीस वगैरह भी चार्ज करते हैं, तो क्या अभी कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं क्या? ये तो बहुत एक हास्यप्रद बात कह दी आपने। फीस तो सर बिल्कुल, ये फ्री क्लास है। अच्छा, पूरा फ्री क्लास? पूरा फ्री क्लास है, नहीं कोई चार्ज नहीं है मेरे तरफ से। जो भी आए अपना यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कि प्रतिभा दिखाए और यहाँ से आगे बढ़े, देश की सेवा करे। अच्छा। और हमारे एकेडमी में कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं। कितने दिन हुई आपके इस एकेडमी की शुरुआत हुए? हमारा एकेडमी लगभग 2 से 2.5 महीना शुरुआत हो गया। अच्छा। इस एकेडमी को कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं? बॉयज़ कम से कम 50 से अबव बॉयज़ हैं। अच्छा, 50 से ऊपर? 25 और 30 के अबव गर्ल्स हैं। अच्छा, किसी भी संस्था की जब शुरुआत होती है तो एक बेस होता है कि हमें पर्टिकुलर या फिर पुलिस में भेजना है बच्चों को, आर्मी में भेजना है, तो आपकी क्या तैयारी है और जो आपके जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको किस तरह से आप प्रोटेक्ट करते हैं? मेरा मेन मकसद यही है सर कि युवा है, युवाओं को अगर, जैसे कहावत कहते हैं कि डूबते को तिनका सहारा होता है, तो अगर मैं हूँ यहाँ पे, मुझको पता है कि मैं इस लायक हूँ और मैं ये बात इनको बता दूँ या कोई भी सीख दे दूँ, अगर इनसे इनकी ज़िंदगी बन जाए तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है। अच्छा। रह गई प्रतिभा की, तो प्रतिभा आप देखे ही हैं, 2 घंटा से आप भी यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ से कि इनके अंदर कितनी प्रतिभा, अभी 2 से 2.5 महीना हुआ नहीं और इनके अंदर जो प्रतिभा झलक रही है, इनके गार्जियन को मैं बुलाया हूँ, सारे लोग देखे हैं ऑन ग्राउंड पे, पूरा लाइव चला है, तो इनकी प्रतिभा से आप भी बिल्कुल रूबरू होंगे। बिल्कुल। आज का जो इवेंट था क्या था और कौन कौन से लोगों को क्या क्या पुरस्कार मिला, जरा बताएं। आज का जो इवेंट था सर, इसको एथलेटिक्स जो बोला जाता है, इसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500 और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं फौज में होता है वो मैं यहाँ पे करवाया हूँ, जैसे टायर के अंदर से निकलना, क्रॉलिंग चलना, ये सब चीज़ें जो आगे चल के इनको काम आएंगी। ओके। एक तरह का था कि जो आर्मी में तैयारी होती है, जो आपने सीखा है बिल्कुल, वो बिल्कुल इनको सिखाने की कोशिश। बिल्कुल सर, मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र से हूँ, इस माटी से हूँ, बुलावा बाबा की धरती से हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारी तरह ये जो बच्चे, इनका जो सपना है
पूरा साकार हो और आगे चल करके देश की सेवा करे। अपना जो क्षेत्र है काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है जी, और यहाँ तक कि लड़के भी दौड़ते हैं तो लोग आसपास के लोग कमेंट पास करते हैं कि अरे ये दौड़ा था मैं, ये आर्मी में चाहिए। तो लड़कियों के ऊपर ताकि पहले से ही बाउंडेशन होता है, एक लड़की जो है जब अपने घर के चौखट के दहलीज को पार करती है तो उसको अपने गार्जियन के हिसाब से ढलना पड़ता है। और अब तमाम बच्चियां जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चियां दौड़ लगाई हैं, उनको मेडल भी मिला है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। पिछड़ा, जहाँ शब्द पिछड़ा आ जाता है वो एक माइंड में फीड हो जाता है कि पिछड़ा मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, जबकि आप खुद देखिए ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ के इस क्षेत्रवासियों को बहकाया जाता है, बहलाया जाता है कि ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, यहाँ के लड़के बारूद हैं, इनमें बस माचिस की तीली लगाने की जरूरत है, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो मैं थोड़ा बच्चे से बात कर लूँ कि इनका क्या, ये क्या नाम है आपका? मनीष, काफ़ी मेडल लिए हुए हैं, क्या क्या मेडल है इसके बारे में बताएं मुझे। जी मेरे सर बहुत अच्छे ट्रेनिंग दिलवाते हैं। अगर ऐसे आज आपने कौन कौन सा मेडल जीता है? पर आपने थर्ड प्राइज भी जीता है, सेकंड भी जीता है, फर्स्ट भी जीता है, क्या क्या बताइए जी। 400 में सेकंड लगा, फर्स्ट लगा है, और 200 में सेकंड लगा है, और 100 में थर्ड लगा है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? जी यहाँ से 2-2.5 महीने से आ रहे हैं। मेरे सर लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सर ने हमको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जीते क्या नहीं बताना, आज का युवा है ज़्यादातर समय जो है अपना मोबाइल पे दे रहा है। जी सर ठीक है, तो जो अभी रियल गेम है ये खेल का जी, आजकल लोग मोबाइल में खेल रहे हैं, और अब आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है कैसा लग रहा है? मेरा रियल लाइफ। तो क्या क्या एम है आपका मनीष जी? मेरा यही एम है कि मतलब मैं अच्छे से प्रेस्टी करूँ और देश के लिए कुछ कर, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी सर, तो मैं अगर बोलूँ अक्सर क्या होता है, जो गुरु होता है वही नंबर देता है। आज मैं आप लोग से एक सवाल करूंगा, आप लोग अपने गुरु को कितना नंबर देंगे ये बताओ। 100 इधर से आवाज़ नहीं आ रही है, पूरा 100। गुरु जी पास हैं आपके? चलिए फिर अच्छा लगा मुझे मिलके। आप आ जाओ, इधर आ जाओ बाबू। क्या नाम है आपका? जी गुड़िया कुशवाहा। अच्छा, क्या मेडल मिला है आपको? जी हमको कोई मेडल नहीं मिला है, लेकिन हम मेहनत करेंगे, सर हमारे बहुत अच्छे हैं। कितने दिनों से आ रही हो? सर अभी 6 दिन हुआ। तो गुड़िया क्या चाहती है, गुड़िया क्या चाहती है, देश के लिए क्या करना चाहती है, इस चितौनी के लिए क्या करना चाहती है? सर हम फौजी बनना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप लोग आते हैं सुबह के समय में तो कैसे आपके गुरु जी कैसे आप लोग को ट्रीट करते हैं, राष्ट्रगान वगैरह होता है, कैसे ट्रीट करते हैं? जी हमारे गुरु जी हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपका क्या नाम है आप बता? मेरा नाम श्यामा है। श्यामा आप क्या बनना चाहती हो? मैं भी देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी फौजी बन। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 11 है इस साल। अच्छा 11। आज क्या मेडल जीता आपने? आज मैंने कुछ नहीं जीता, पर इसके लिए मतलब कोशिश कर रही है, कोशिश जारी। यस, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाँव वाले रिपोर्टर हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सबको बीच में लेके आते हैं, जो लोग ज़मीन से जुड़कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, अपने पूर्वांचल का नाम रोशन करते हैं, उसमें से एक मिराज जी, और इन्होंने इसके पूर्व में भी तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे अपने क्षेत्र का नाम हो, और ये तमाम बच्चे जिन्होंने अपने गुरु जी को पास कर दिया। तो आज की कहानी चितौनी डिफेंस एकेडमी की। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव।